आखिरी के दो टेस्ट में ओपनर मुरली विजय और चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव के स्थान पर टीम इंडिया में इन दो नए प्लेयर्स को जगह दी गई है। बता दें कि नॉटिंगम में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में भी कप्तान विराट कोहली ने मुरली विजय और कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में जगह नहीं दी थी। इसके अलावा पेसर भुवनेश्वर कुमार भी पीठ में चोट के चलते बाहर कर दिए गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में वह चोटिल हो गए थे। बता दें कि पृथ्वी शॉ के इंडिया ए टीम में शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें सीनियर टीम में जगह देकर दिया गया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 56.72 के औसत से रन भी बनाए हैं। 7 शतकों और 5 अर्धशतक लगाने वाले ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को इस मजबूत परफॉर्मेंस के आधार पर ही जगह मिली है टीम इंडिया में। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में उनकी 188 रनों की पारी की खासी सराहना की गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 62 रन और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 136 रनों की पारी के चलते वह चयनकर्ताओं के नज़र में आ गए। इस साल टीम इंडिया को अंडर 19 विश्व कप जिताने वाले पृथ्वी शॉ देश के घरेलू क्रिकेट में पहले से ही चर्चित चेहरा बन चुके थे। बता दें कि पृथ्वी शॉ की प्रतिभा का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में शानदार शतक लगाकर सबसे युवा क्रिकेटर बन गए थे शतक लगाने वाले, और उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जो अब पृथ्वी शॉ के नाम हो गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।